आप देख रहे हैं न्यूज लाइन खबरों की तहतक। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहतक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। भारत विकास परिषद लोकमान्य शाखा के तत्वावधान में सांस्कृतिक सप्ताह के अंतर्गत लोकगीत का कार्यक्रम रविवार 20 अगस्त को प्रीति आर्य विनय आर्य के निवास एल्डिको सिटी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लोकगीतों के साथ सावन के कजरी गीत व नृत्यों की धूम रही। शाखा के विभिन्न परिवारों के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्रीमती कनक वर्मा, ज्योति खन्ना, कल्पना श्रीवास्तव, अमिता गुप्ता, रश्मि रोहतगी, दीपा गुप्ता, शैल, कल्पना अस्थाना, इंदिरा सक्सेना, यशी सक्सेना, उषा अस्थाना, आरुषि, कीर्ति, दामिनी त्रिपाठी आदि महिलाओं के गीतों एवं उनके नृत्यों की धूम रही। कार्यक्रम के अंत में शाखा के सभी सदस्यों ने प्रीति आर्य द्वारा आयोजित कार्यक्रम की सराहना की और उनको धन्यवाद दिया। भारत विकास परिषद लोकमान्य शाखा के सांस्कृतिक सप्ताह की संयोजिका कल्पना अस्थाना ने बताया कि परिषद द्वारा ऐसे कार्यक्रम हमारे लोकमान्य शाखा द्वारा विभिन्न अवसरों पर आयोजित किए जाते हैं। न्यूज लाइव ब्यूरो रिपोर्ट। मैं प्रीति आर्य, सदस्य लोकमान्य शाखा भारत विकास परिषद की। तो आज ये हमारे यहाँ प्रोग्राम था लोकगीत का, ये सावन के उपलक्ष्य में मनाया गया था, जो कि आज हमारे अपने घर में एल्डिको सिटी में था। तो इसके अंतर्गत ये पूरे सप्ताह हमारे प्रोग्राम चलते रहेंगे। कल पहला प्रोग्राम कल था, वो बाल सदन में था, एक अनाथ आश्रम है तो उसमें था। आज ये हमारे घर में है, कल एक मंदिर में संगीत संध्या, इसी तरह लगातार पूरा हफ्ते हमारे यहाँ प्रोग्राम चलते रहेंगे। इसमें कहाँ कहाँ के प्रतिभागी आए थे? इसमें हमारे बहुत सारे प्रतिभागी आए हुए थे। ये कल्पना जी हैं, हेलो, ये आम्रपाली में रहती हैं, आम्रपाली अपार्टमेंट में रहती हैं, और कोई वहाँ से आए थे, पेपर मिल कॉलोनी से भी लोग आए हुए हैं हमारे एल्डिको सिटी के, अलग अलग जगह से हमारे जो मेम्बर्स हैं वो सब आज इकट्ठा हुए थे, और सब लोगों ने मिल के और बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। डांस हुआ, गाने हुए, सावन के गीत, कजरी, सब बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए। मेरा नाम कल्पना श्रीवास्तव है और मैं लोकमान्य शाखा भारत विकास परिषद से जुड़ी हुई हूँ। करीब मुझे 11 साल 12 साल हो रहे हैं, और हमारे जो संस्था है इसका मेन उद्देश्य वही है कि समाज में भारतीय संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए। तो ये हमारा जो आज का प्रोग्राम था ये उसका एक छोटा सा हिस्सा था। तो उसमें जैसे सावन, अब सावन क्या है हमारे हिंदू धर्म में, हमारे भारतीय संस्कृति में सावन का बहुत अलग ही महत्व है। तो उसी से जुड़े हुए गीत लोकगीत हैं और उससे संबंधित और भी संस्कृति से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो हमारे आज के प्रोग्राम में हुए, जो कि एक सफलतापूर्वक प्रोग्राम इन्होंने प्रीति आर्या जी के घर पर संपन्न हुआ है आज। तो उसी से रिलेटेड हम लोग आज यहाँ पर आए। हमारा संस्कृति सप्ताह 19 तारीख से शुरू हुआ है, जिसका आज ये दूसरा प्रोग्राम था, और बहुत अच्छा अरेंजमेंट, बहुत अच्छा यहाँ से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है। खूब मस्ती हुई है, खूब धमाल हुआ है, ऐसे ही हम लोग मनाते रहे। आज हमारा ड्रेस कोड रेड था, आज सारी लेडीज ने इसलिए रेड कलर पहना हुआ है। हाँ, कुछ प्रतियोगिता भी हुई, हाँ, इनाम जीते गए, बहुत मजा आया। तो हम लोगों ने गेम भी खेला, हम लोगों ने और वो भी खेला, हम लोगों ने एक तो पंक्चुअलिटी रखी थी उन्होंने कि सब लोग टाइम से आ जाएं, और दूसरा गेम था कि वो एक बैलून पे कुछ लिखना था, तो जो सबसे ज़्यादा लिख लेगा वो जीतेगा। तो उसमें विनर मैं, मेरी सिस्टर रही है, मेरी पंक्चुअलिटी मुझे मिली है, और मेरी सिस्टर जो थी वो बहन आई है मेरी, तो उसको उससे मिला है प्राइज। आरुषि सक्सेना, बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत बढ़िया रहा, सब गेम्स वगैरह हुए, बहुत अच्छा लगा। आज भारत विकास परिषद का था कार्यक्रम, ये बहुत ही अच्छा रहा है, और सबने बड़े उत्साह से और अच्छे से मनाया है इसको। आज का कार्यक्रम बहुत ही मनोरंजक था, बहुत ही सुंदर सुंदर हमने गीत सुने, बहुत सुंदर लोकगीत, सावन के गीत,
कजरी, हर तरह का आइटम बहुत ही सुंदर था। और मैंने जो गेम खेला उसमें मैंने प्राइज़ जीता, सबसे बड़ी बात तो यही थी। मैं फर्स्ट चांस आई हूँ और मुझे बहुत इन्जॉयमेंट हुआ यहाँ पे आकर के, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी। मैं उषा अस्थाना, और ये भारत विकास परिषद का जब लखनऊ में स्थापना हुई, यूपी में हुई, तो फर्स्ट लेडी महिला सहभागिता मैं और चेयरमैन थी, और अब हम इससे पोस्ट से हट गए हैं। और परिषद में ये संपर्क, हमारे भारत विकास परिषद में 5 सूत्र हैं, संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा एवं समर्पण। तो संपर्क के अंतर्गत ये सांस्कृतिक सप्ताह आता है, इसमें हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में, शाखा के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित करते हैं जो भारतीय संस्कृति के और संस्कारों के अनुरूप होते हैं। विभिन्न प्रकार के मनोरंजक और आध्यात्मिक और शैक्षिक इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज यहाँ लोकगीत का कार्यक्रम था जिसमें सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और अभी ये कार्यक्रम 26 तारीख को समापन में ख़त्म होगा। उसमें प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगा और चीफ गेस्ट आएंगे, और उसमें भी इस तरीके के कार्यक्रम की, जैसे हम वरिष्ठ नागरिक सम्मान है और बच्चों को मेधावी छात्र अभिनंदन है, इस तरीके के कार्यक्रम हम लोग करते हैं, जिससे समाज गुरुवंदन छात्र अभिनंदन तो चल रहा है पर संपर्क के अंतर्गत। तो इसमें जब इस क्षेत्र में आज जो लोग आए हुए हैं उनको हम लोगों ने बुलाया और उनसे संपर्क किया, तो आगे परिषद का विस्तार और विकास हो, तो इस उद्देश्य से सांस्कृतिक सप्ताह का आयोजन किया जाता है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात होती है भारत विकास परिषद में कि हम लोगों के यहाँ पारिवारिक भाव रहता है। आप कहीं पर भी जाइए, ये सेवा के सारे कार्यक्रम सभी संस्थाएं करती हैं, पर परिषद में जो एक आपको आत्म अनुभूति होती है वो ये है कि यहाँ पर एक पारिवारिक वातावरण रहता है जिसके अंतर्गत हम सभी खुल करके काम करते हैं और सहयोग करके एक दूसरे के साथ में समाज की सेवा करते हैं। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज लाइव खबरों की तह तक, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव खबरों की तह तक।